बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें करे और हम सब के दस्तखान यूं ही सजाए रखे, आमीन। आज हांडी घर की मैं बना रही हूँ रोस्टेड कीमा। ये बहुत ही आसान है और मज़ेदार होता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो रोस्टेड कीमा बनाने के लिए मुझे चाहिए दही 200 ग्राम, 1 किलो कीमा, प्याज है 2 बड़े प्याज है मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, लहसुन सब्ज़ मिर्ची हैं ये, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब्ज़ इलायची है, बड़ी इलायची, दालचीनी और 3 अदर लौंग है, और 1 खाने का चम्मच सूखा पीसा अदरक, लाल मिर्चें हैं 7 है, और ये कड़ी है, करी पत्ता है, और गार्निश के लिए धनिया है इसमें शामिल करेंगे। मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 किलो मेरे पास कीमा है, और इसमें दही शामिल करूंगी भर भर के 1, 2, 3, 4 और 5 पांच दही के बड़े खाने के चम्मच है, तकरीबन ये 200 ग्राम बन जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं ये साबुत मसाले शामिल करूंगी, 3 अदद इलायची है, इन्हें खोल लेती हूँ। बड़ी इलायची, लौंग के 3 अदद हैं ये दाने, 3 अदर लौंग है, और ये 1 दालचीनी है, अजवाइन आधा चाय का चम्मच है, सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच, और साबुत धनिया ये भी अभी 1 खाने का चम्मच है, और कुटी हुई लाल मिर्च और करी पत्ते ये 2 अदद है। इन्हें एक साइड पर रखती हूँ। अब ये मेरे पास गरम मसाले हैं, यह गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका यह 2 चाय के चम्मच है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया को सब्ज मिर्चें हैं 3 अदद ही थी मेरे पास, बड़ी बड़ी थी, आप 4 से 5 ले सकते हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 खाने का चम्मच है। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आधा कप सिरका है मेरे पास तकरीबन, और ये पपरिका पाउडर है, इससे खुशबू और जायका आएगा इसमें। अब हाथ की मदद से मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए जितना आपके पास टाइम है आप रख दें फ्रिज में, और बाद में फिर इसे तैयार करती हूँ। मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। मैं आधा कप इसमें मैं ऑयल शामिल कर लेती हूँ, और प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ये प्याज इस तरह हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, इसका प्याजी सा कलर हो जाए, तो इसमें ये जो कीमा था मैंने मिक्स किया था इसको शामिल कर लेती हूँ।
एक किलो कीमा है, इसमें लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट है, काली मिर्च है, और साबुत गरम मसाले हैं। और ये मेरे पास रोस्टेड मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा ले लें जो आपको पसंद है। तो एक चम्मच खाने एक खाने का चम्मच शामिल कर लें, सूखी मेथी है एक खाने का चम्मच, ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें। इसको मैंने अच्छी तरह से धो दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल किया करें। मसाले जितने भी मैंने इसमें शामिल किए हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, हर घर का अपना एक खाने का टेस्ट होता है, तो इस हिसाब से आप इसमें मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर लें। बस घरों में ज़्यादा टेस्ट पसंद किए जाते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके घरों में कैसे खाए जाते हैं। ये टमाटर है मेरे पास, आप फ्रेश टमाटर ले ले, 2 से 3 अगस्त। ये मैं थोड़े से रख लेती हूँ, ज़्यादा रख लेती हूँ, टमाटर शामिल कर लेती हूँ। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके और मैं इसे दम पे रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें पानी नहीं मैंने शामिल किया, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत हो हुई तो शामिल कर देंगे, वरना ऐसे ही दम पे रख देंगे। दही का और कीमे का जो पानी होगा वो खुद ही उसी में पक जाएंगे। कीमे ने अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया, प्याज ने और सब्जियों ने जो काफ़ी पानी निकला है, तो इसको मैं कवर करके रख लेती हूँ और 5 मिनट तक फुल आंच पे रखूँगी और बाद में दम वाली आंच पे रख दूँगी। 5 मिनट हो गए इसे फुल तेज आंच में पकते हुए, तो चेक करती हूँ, देखो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, देखिए, और कीमा भी अच्छी तरह से गल गया। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी और ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर मैं डिश आउट करूँगी। मैं धनिया भी शामिल कर लेती हूँ इसको इसमें, चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो गया। अब इसे सर्व करने से पहले नमक इसका ख़ास तौर पर ज़रूर चेक कर लिया करें, मैंने चेक किया है, बहुत ही मज़ेदार बना है और नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अदरक और हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं। और जैतून के तेल के साथ सर्व कर लें इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं, इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।